अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कैथल के विधायक लीलाराम गुज्जर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार लीलाराम गुज्जर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आतंकवादी बताया है। कैथल में आयोजित एक प्रोग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लीलाराम ने कहा कि आम आदमी पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है और पिछले एक महीने से पंजाब तथा देश में लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता है। आम आदमी कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक आंदोलन था अन्ना जी का, उससे उपजा हुआ एक टीम थी और उनको दिल्ली में सूत आ गई। उसके बाद पंजाब में भी किसान आंदोलन की वजह लगा ले तो या दूसरी पार्टियां कांग्रेस और अकाली दल का फेलियर लगा ले, इसलिए पंजाब में आ गई। अब हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर ही पंजाब नहीं पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है और कहीं न कहीं इसमें आम पार्टी के नेता की हिस्सेदारी है, संलिप्तता है। इसलिए पूरे देश के लोगों को पता लग गया कि ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं, इसलिए हरियाणा में इनके दाल गलने वाली नहीं है। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है कि लीलाराम ने ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी लीलाराम के कई बयान विवादित रहे हैं, जिसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ। इसके साथ ही लीलाराम को अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देने के लिए भी जाना जाता है। लीलाराम ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर बताया था कि अधिकारी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करते। इससे पहले लीलाराम का एक और विवादित बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी के आदेश मिलते ही मुसलमानों को एक घंटे में देश से सफाया कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।